तो गाइस वीवो V21e की डिवाइस पर आ चुका है दिसंबर मंथ में न्यू लेटेस्ट अपडेट। इस अपडेट का क्या साइज़ है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है, क्या नए फीचर्स आए, क्या बग्स को फिक्स किया गया है या फिर नहीं किया गया है, सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपकी डिवाइस में एंड्रॉयड 12 और फंटच ओएस 12 का अपडेट कब आएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले ओल्ड वर्जन की। तो इस डिवाइस का जो ओल्ड वर्जन है वो है 11.0.8.10 और जो इसमें नया अपडेट आया है, नया वर्जन आया है वो है 11.0.9.2 और इस अपडेट का साइज आपको मिल जाता है 227 MB करीब। यहाँ पर आप देख सकते हैं 226.06 MB है, यानी कि यहाँ पर आपको 227 MB का ये अपडेट आपको मिल जाता है। और इस अपडेट के अंदर आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है और किस किस चीज़ में हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले इम्प्रूवमेंट की गई है सिस्टम में, अपडेटेड टू द दिसंबर 2021 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो दिसंबर मंथ का लेटेस्ट गूगल सिक्योरिटी पैच है उसे इम्प्रूव किया गया है, अपडेट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि दिसंबर मंथ में अपडेट आया और दिसंबर मंथ का ही यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट दे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर है ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम स्टेबिलिटी टू फिक्स द इशू वेयर सम एप्स ओकेजनली क्रैश। तो कई बार ऐसा होता था कि आपके डिवाइस में जो है कई ऐप्स रहते थे, थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर सिस्टम ऐप्स, वो क्रैश हो जाते थे, यानी जब आप ओपन करते थे तो अपने आप ही बंद हो जाते थे, वो ओपन नहीं हो रहे थे। तो इस चीज़ को यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है, ठीक किया गया है, सिस्टम की स्टेबिलिटी के साथ इसे फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ नेटवर्क में ऑप्टिमाइज किया गया है, ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क अडेप्टेबिलिटी एंड फिक्स द ओकेजनल इशू ऑफ अनस्टेबल कॉल्स। यानी कि कई बार ऐसा हो रहा था कि आपके डिवाइस में नेटवर्क अच्छे से नहीं कैच हो रहा था, अच्छे से नहीं आ रहा था, और साथ में आप कॉल पर भी बात अच्छे से नहीं कर पा रहे थे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो इसकी अडेप्टेबिलिटी को यहाँ पर फिक्स किया गया है ताकि आप अच्छे से कॉल पर बात कर सके, आपकी कॉल ड्रॉप ना हो या फिर कॉल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद यहाँ ऑप्टिमाइज द नेटवर्क स्टेबिलिटी व्हेन बोथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ आर इनेबल्ड। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता था कि जो नेटवर्क की स्टेबिलिटी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी जब आपका ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन होता था। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है, ठीक किया गया है। इसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट में ऑप्टिमाइज किया गया है, ऑप्टिमाइज द प्रोसेसिंग लॉजिक ऑफ क्वेरिंग एंड सेविंग कॉन्टैक्ट्स टू इम्प्रूव फंक्शन स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जब भी आप अपने कॉन्टैक्ट को सेव करते थे या फिर डिलीट करते थे या फिर कॉन्टैक्ट में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही थी कॉन्टैक्ट ऐप में, तो इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, उसके फंक्शन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे आपका जो कॉन्टैक्ट है वो आसानी से सेव होगा, जल्दी सेव होगा, जल्दी यहाँ पर फंक्शन आपका काम करने वाला है कॉन्टैक्ट ऐप। बात करते हैं कि ये अपडेट आपके डिवाइस में कब देखने को मिलेगा। तो अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट अभी नहीं आया है तो आप एक हफ्ते का वेट कर लीजिए, यानी कि 7 दिन का वेट कर लीजिए, 7 दिन के अंदर ही आपके डिवाइस पर ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कि आपके डिवाइस में वीवो V20e के डिवाइस में एंड्रॉयड 12 और फंटच ओएस 12 का अपडेट कब आएगा। तो आपके डिवाइस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीवो ने जो ऑफिशियल लिस्ट जारी किया है इसमें वीवो V21e का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो टाइम दिया है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ जनवरी 2022, यानी 2022 में जनवरी की शुरुआत में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में ही आपके डिवाइस में फंटच ओएस 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यही थी आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।